तो आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन की जनता सड़क पर है। लगातार वो तस्वीरें भी यूक्रेन के वो नागरिक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने शायद जिंदगी में हथियार ना उठाए हों, लेकिन जब बात अपनी और अपने देश की रक्षा की आई तो इन्होंने हथियार उठाने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई है। यूक्रेन के आम लोगों की तस्वीरें हैं ये, हथियारों को असेंबल करना सीख रहे हैं, कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जा रही है। हथियारों से लैस यूक्रेन के आम नागरिक रूसी सैनिकों को टक्कर देना चाहते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आम नागरिकों से रूस के खिलाफ लड़ने की अपील की थी। यूक्रेन ने आम नागरिकों को हथियार मुहैया कराए, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके अलावा इन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार चलाने कैसे हैं ये सिखाया जा रहा है, और अब ये आम नागरिक रूस के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक तरफ ये सिविलियंस हैं जो जिन्हें ट्रेन किया जा रहा है कि कॉम्बैट ट्रेनिंग में, और विध्वंस और विनाश जो हुआ है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें, और साथ ही तस्वीरें फोर्सेस से जुड़ी हुई। एक तरफ रशियन फोर्सेस हैं जिनकी संख्या में लगातार इजाफा होते हुए, हमने अभी आपको बताया कितना लंबा काफिला रूसी फोर्सेस का, रशियन फोर्सेस का, जो कैपिटल कीव की तरफ बढ़ते हुए, और दूसरी तरफ आम लोगों के जज्बे की बात कीजिए यूक्रेन में, या फिर उनके फोर्सेस के जोश की बात कीजिए, उसके जज्बे की और उसके उसके पलटवार की बात कीजिए, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, हमारे साथ फॉर्मर अम्बेसडर जे के त्रिपाठी हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूबी देवनाथ हैं। देवनाथ सर, सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो तस्वीरें भी जिनमें विध्वंस है, विनाश है, डिस्ट्रक्शन है, और दूसरी तरफ ये सिविलियंस को कॉम्बैट ट्रेनिंग देना, कल पेट्रोल बॉम्ब तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई, और रशियन फोर्सेस का काफिला लगातार लंबा होता हुआ, ये दोनों पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? जी हाँ, उभय पक्ष जो है अपनी सारी रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है। जब भी कोई देश युद्ध करता है, खास तौर से एक कमजोर देश, यूक्रेन जो है रशिया के तुलना में करीबन करीबन 1/10 है मिलिट्री माइट में, तो यूक्रेन रशिया के तुलना में एक कमजोर देश है। यूक्रेन अपनी सारी मिलिट्री माइट को मोबिलाइज कर रहा है। देखिए, युद्ध के दौरान फौजें युद्ध करती हैं, लेकिन वो सिर्फ तस्वीर की एक ही कहानी है। लंबा और बड़ा बृहद फेस ऐसा होता है कि पूरा देश अपनी फौजों के सपोर्ट में उठ खड़ा हो। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में सारे नागरिक, 10,000 से ज़्यादा नागरिकों ने वॉलंटियर किया है, उनको हथियार इशू किए गए हैं, वो ये सीख रहे हैं कि हथियार को कैसे इस्तेमाल करना है। और हम जो इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका ने 12 रूसी राजनयिक जो हैं उन्हें निष्कासित कर दिया है, 7 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है, और साथ ही आरोप लगाया गया है कि ये जासूसी कर रहे थे, क्रेमलिन द्वारा इसे शत्रुतापूर्ण रवैया करार दिया गया है। त्रिपाठी सर, इस खबर के क्या, किस तरह के रेपरकशंस होंगे, किस तरह का असर और प्रभाव इस बात का पड़ेगा कि रूस कह रहा है कि अमेरिका का जो रवैया है वो शत्रुतापूर्ण है, और अमेरिका ये कह रहा है कि उसके राजनयिक जो हैं वो जासूसी कर रहे थे? देखिए अदिति, इसका सबसे पहला, सबसे निकटतम प्रभाव तो ये पड़ेगा कि एक हफ्ते के अंदर ही आप सुनेंगे कि रूस ने भी अमेरिका के 12 नागरिकों को, 12 राजनयिकों को जाने का आदेश, छोड़ के जाने का आदेश दिया, पर्सनल नॉन ग्रेटा कर दिया, क्योंकि ये जो है ये एग्जैक्टली टिट फॉर टैट होता है कि उन और उन्हीं राजनयिकों को, इसकी जरूरी नहीं है कि वही राजनीति राजनयिक भेजे जाएं जो जासूसी कर रहे हों या जिन पर आरोप लगवाओ। अगर एक देश किसी दूसरे देश के किसी, जैसे इंफॉर्मेशन में या कॉमर्स में काम कर रहे राजनयिक को जासूसी का आरोप लगा के भेजता है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।